राम राम मारी सगली सहेलिया मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। डेढ़ दो साल नु लेट चार साल रा बच्चा ने इंग्लिश रा सब सिखाउन रे वास्ते हाथां रा इशारा यानी एक्शन कर बात करो, पहले इंग्लिश रो शब्द बोलो और पछे हिंदी रो ताकि बच्चों समझ जावे। आज मैं आपने रोजिना बोलने वाला 15 शब्द बताऊंगा जका आपने बच्चा रे साथे बोलना है। थोड़ा ही दिन में आप देखो ला कि इंग्लिश रा शब्द बोलना री बच्चा री आदत बन गई, खेल खेल में बोलनो सीख जावेला। आपने बेटर सिखाउन रो टाइम देवन री जरूरत कोनी है, घर में आप काम करता करता भी सिखा सको। ओ मारो अनुभव आपने बता रही हूँ कि मैं घर में मारा छोटा बच्चा ने फराटेदार अंग्रेजी बोलनो किया सिखायो, वो तरीको आज मैं बताऊंगा। इनो पहली आप सु निवेदन करूँ कि मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो। सबो पहलो शब्द है कम हियर, इधर आओ। बच्चा रो नाम ले हाथों बुलाओनो इशारो करो और साथ में बोलो कम हियर बेबी। दूसरो शब्द है डोंट टच मत छुओ। सब बच्चा री आदत हुए हर जगह हर चीज रे हाथ लगाना री, आपा कहवा इरे हाथ मत लगा, बिनी जगह आप डोंट टच बोलो। आंगली हिला इशारो करो आंगली रो तो बच्चों समझ जावेला कि आप मना कर रिया हो। तीसरो शब्द है थ्रो इट फेंक दो। बच्चारी आदत वे कोई भी चीज ने मुंह में लेवनी तो आपा कहवा कि इन्हें फेंक दो आनी खानी, इनी जगह आप बोल सको थ्रो इट थ्रो इट। हाथ रो इशारो भी करो साथ में फेंकनो तो बच्चों अपने आप समझ जावेला और थोड़ा दिन रे मायने बिरी भी आदत पड़ जावेला। ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ। बच्चा मुंह में की भी ले लेवे तो आपा कहवा ना आ कर दिखा, बिनी जगह आपने ओपन योर माउथ बोलनो है तो बच्चों अपने आप मुंह खोल लेला और उन बिन पतो भी चाल जावेला कि आप मुंह खोलनो कह दिया हो। पांचवो शब्द है वॉश योर हैंड अपना हाथ धो लो। आप हाथ धोवन रो इशारो करो साथ बोलो वॉश योर हैंड। पानी में खेलनो सब बच्चा ने बढ़िया लागे तो बार बार हाथ धोवे, आप हर बार वॉश योर हैंड बोलर सुना वाला तो बच्चों जरूर सीखेला। छठो शब्द है वॉश योर फिट अपना पैर धो। जिया हाथ धोने रो बतायो बी आप पैर धोने बारे में भी बच्चा ने बार बार बोलर सुनाओ। सातवो शब्द है वॉश योर माउथ मुंह धो। आप हाथ छू आपने मुंह की तरफ धोवन रो इशारो करो और बोलो वॉश योर माउथ। बच्चारी आदत हुए लारे लारे बोलनी तो आप बोलो ला तो बच्चों जरूर बोलेला। आठवो शब्द है फिनिश योर फूड अपना खाना खत्म करो। ऐ शब्द आप रोजिना बोल सको जब बच्चा रो काम कर रिया हो, अलग से बैठर सिखाउनी जरूरत नहीं है आपने। नौवो शब्द है स्टैंड अप खड़े हो जाओ। आप बच्चा ने जब भी खड़े होना कहो बिनी जगह आप स्टैंड अप शब्द बोलो तो बच्चों अपने आप समझ जावेला। दसवो शब्द है सिट डाउन नीचे बैठो। जना भी बच्चा ने बिठाओ नीचे तो हाथ सु नीचे बैठने इशारो करो और बोलो सिट डाउन सिट डाउन। ग्यारहवो शब्द है शेक योर हैंड अपना हाथ मिलाओ। बच्चों आपकी उम्र रे दूसरा बच्चा मिले जना आपने सिखाना है कि केवो शेक योर हैंड इनू हाथ मिला। बारहवो शब्द है गो अवे चले जाओ। जो कोई बच्चों मेंढक डरे कोई छिपकली डरे तो बिन भगाने वास्ते आपा बोला नहीं छिपकली जा अठू, बिनी जगह आपने बोलना है गो अवे। तेरहवो शब्द है स्टे अवे दूर रहो। कोई गर्म चीज हाथ लगावे तो आपा कहवा ना दूर रहो आ गर्म है, बिनी जगह आप स्टे अवे बोलो स्टे अवे दूर रहो। चौदहवो शब्द है वेर आर यू आप कहाँ हो। आप आवाज लगावा नहीं छोटा बच्चा ने कि बेटा कठे है तो छोटा बच्चा ने छुपने की भी आदत या करे तो खेल खेल में आप भी ने ढूंढो तो आप बोलो वेर आर यू बेबी। पंद्रह शब्द है लेट्स प्ले चलो खेलते हैं। आप बच्चा ने खेलने ले जाओ या साथे खेल जाओ तो बी टाइम आप लेट्स प्ले बोल सको। और भी घना शब्द है जिका बच्चा रो काम करता करता आप साथे सिखा सको
रोजिनारो एक शब्द बार बार बोलना सु सीख जावे तो भी मिनारा 30 शब्द बच्चों सीख जावेला। आशा करूं कि आज वो वीडियो बढ़िया लागो वेला। अगर बढ़िया लागो वे तो आपरे दोस्तों और रिश्तेदार साथ आगे शेयर कर जो। कल और मिलना एक नयो वीडियो रे साथ, तब तक आप ध्यान रख जो। धन्यवाद।